हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इलेक्शन 2022 कांग्रेस ने जारी की 125 प्रत्याशियों की सूची, देखें पूरी लिस्ट। लखनऊ, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 125 प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें से 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। कहा कि पार्टी ने कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया है। उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को भी प्रत्याशी बनाया गया है। नोएडा में पंखुड़ी पाठक को उतारा गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सूची नया संदेश दे रही है कि यदि आपके पास अत्याचार हुआ है तो आपके पास यह शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। आपकी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी, सत्ता अपने हाथ में ले। प्रियंका गांधी ने कहा, हमारी उन्नाव की प्रत्याशी उन्नाव गैंगरेप पीड़िता की मां है। हमने उनको मौका दिया है कि वे अपने संघर्ष जारी रखें। जिस सत्ता के जरिए उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उनके परिवार को बर्बाद किया गया, वही सत्ता वे हासिल करें। हमने सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों में से एक रामराज गोंड को भी टिकट दिया है। इस तरह आशा बहनों ने कोरोना में बहुत काम किया, लेकिन उन्हें पीटा गया। उन्हीं में से एक पूनम पांडे को भी हमने टिकट दिया है। सदव चापर ने CANRC के समय बहुत संघर्ष किया था, सरकार ने उनका फोटो पोस्टर में छपवा कर उनको प्रताड़ित किया। मेरा संदेश है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ है तो आप अपने हक के लिए लड़ें। कांग्रेस ऐसी महिलाओं के साथ है। जागरूक टीवी के लिए लखनऊ से खास रिपोर्ट।